साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के अंतर्गत हमने पहले पूरा अध्ययन किया, उसको पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की अगली आपातकालीन शक्ति के बारे में, जिसका नाम है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का लगना। कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों करे, वहाँ की राज्य सरकारें कहाँ गई, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम विराम देंगे, उन सारे प्रश्नों का हल हम यहाँ करेंगे, सारी बातें हम जानेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है विभिन्न राज्यों में, वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है। मतलब कि वो संविधान के आर्टिकल 356 में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, क्या क्या उसके प्रभाव होंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सारा जिक्र कहाँ हुआ, क्या हुआ है, आर्टिकल 356 के अंदर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जब क्या होता है, जब किसी राज्य में वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार कार्य ना करें, अगर राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगी तो उस जगह पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अर्थात वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो विधायिका है, वहाँ की जो विधानसभा है, उसको क्या कर देंगे, उसको भंग कर दिया जाएगा और सारा चार्ज, सारा शासन कौन संभालेगा, राष्ट्रपति संभालेगा। एक बात क्लियर हो गई। तो ये राष्ट्रपति शासन हुआ, क्यों लगा रहे हैं, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कि संविधान के अनुसार राज्य सरकारें काम ना करें, इसलिए राज्यों की बात हो रही है, इसलिए हम इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 में इसका जिक्र किया हुआ है। इतनी बातें आप समझ चुके। अगली बात देखिए, इसके आधार क्या हैं, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है वो क्यों लगाया जा रहा है, उसका आधार क्या है। ठीक है, उसका आधार जानिए, आधार किस वजह से वो लगाया जा रहा है, समझे बात को। इसके दो आधार हो सकते हैं। पहला आधार है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ये कहता है, अगर राज्य में जो राज्य सरकार है वो संविधान के दायरे के बाहर जाकर काम कर रही है, जिस तरीके से संविधान में बातें लिखी हुई है उस तरीके से काम नहीं कर रही है, जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है संविधान के अनुसार, जो तंत्र हमने बनाया है वो सिस्टम फेल हो रहा है वहाँ, अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है वहाँ, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सारा चार्ज, सारा शासन अपने हाथ में ले लेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि राष्ट्रपति को कैसे पता लगेगा कि उस राज्य में ये दिक्कत है, या उस किसी पर्टिकुलर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है, उसका क्या है। राष्ट्रपति, आप जानते हो, राष्ट्रपति हर एक राज्य में, ठीक है, या फिर दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल भी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा भेजा हुआ तो एक व्यक्ति है। ठीक है, तो राज्यपाल उसको रिपोर्ट देता है। आप कहोगे राज्यपाल को रिपोर्ट कहाँ से मिली, देखिए किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को कैसे लगेगी, वो ऐसे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि राज्यों का विभाग, भाषा का विभाग, आंतरिक सुरक्षा का विभाग, ऐसे ही जो राज्यों का विभाग है, विभिन्न जितने भी राज्य हैं सभी का एक डिपार्टमेंट होता है, वो राज्यों का विभाग अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि सपोज़ करो हमें तमिलनाडु का एग्जाम्पल, कि तमिलनाडु में इस वर्ष ये बातें हुई हैं, पूरी रिपोर्ट बना करके वो रिपोर्ट किसके पास जाती है, राज्यपाल के पास में। राज्यपाल इस रिपोर्ट को किसको भेजता है, राष्ट्रपति को, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से संबंधित, विधि निर्माण से संबंधित सारी जो बातें हैं वो इसमें रिपोर्ट के रूप में वो लेता है। अब राष्ट्रपति को पता लग गया कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, फेल हो चुका है, तो राष्ट्रपति वहाँ का शासन अपने हाथ में ले सकता है, ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आपको एक आधार समझ में आ गया। दूसरा आधार देखिए, आर्टिकल 365 भारतीय संविधान का, आर्टिकल 365 ये कहता है कि कुछ मामलों में केंद्र सरकार जो होगी वो राज्यों के लिए या राज्य सरकारों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करेगी। दिशा निर्देश क्यों जारी करेगी, वो इसलिए कि सारे के सारे राज्य या फिर राज्य सरकारें संविधान के तंत्र के हिसाब से,
संविधान के सिस्टम के हिसाब से काम करे। इसलिए संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो केंद्र सरकार है वो विभिन्न राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। जारी तो उसने कर दिया, लेकिन अगर कोई राज्य उसको नहीं मान रहा है, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को अगर राज्य नहीं मान रहा है, तो उस दशा में भी हम ये मानेंगे कि वहाँ भी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, ठीक है। तो तब भी क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। दो आधार हुए, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। यहाँ छः का, यहाँ जो 356 का, ये पाँच आगे कर दो, छः पीछे ले, 365 बन गया, ठीक है, मिलते जुलते से हैं दोनों। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा है तो उसकी समयावधि क्या होगी। मान के चलो राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे पहली बात, जैसे लगेगा तो लगते के साथ ये 2 माह तक जो है वैलिड रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन जब लगा है तो ये 2 माह तक चलेगा। अगर इसको और ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या करें, और ज़्यादा हमें इसको और एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए क्या होगा, हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति कैसे, संसद से अनुमति कैसे मिलेगी, अनुमति लेंगे संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। और किस प्रकार से अनुमति मिलेगी, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का बहुमत। टोटल मेंबर 790 हैं, आप जानते हो 790 में, मान के चलो उस दिन जिस दिन हम ये इसको प्रस्ताव लेके आए हैं इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का, उस दिन 790 में से 720 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो 720, अब बहुमत कैसे निकालेंगे, 720 ये हो गया, तो ये 360 प्लस 1, अर्थात जिस भी 361 मेंबर्स की हमें कम से कम जो है वो परमिशन मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए कि हाँ हम सहमत हैं कि इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाए। बात क्लियर होगी। तो इस प्रकार जब हमें अनुमति मिल गई, ठीक है, अनुमति मिलने के बाद में ये कब तक बढ़ेगा, भाई जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, लागू होने के बाद कितने समय तक रहेगा, वो 2 माह तक। अगर हमें इसको आगे और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, संसद से अनुमति लेंगे। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि और आगे बढ़ेगा तो कितने समय तक के लिए बढ़ेगा, अब ये बढ़ जाएगा 6 माह के लिए। ये कितने टाइम के लिए बढ़ जाएगा, टोटल 6 माह के लिए, 6 माह तक के लिए बढ़ गया। आप कह रहे हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तो दोबारा से संसद से अनुमति ले लो, फिर दोबारा 6 माह हो जाएगा, फिर दोबारा ले लो, फिर 6 माह हो जाएगा। आप कहोगे अधिकतम मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बढ़ा सकते हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो, 3 वर्ष के लिए, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम लिमिट। लेकिन ये लिमिट भी क्रॉस हुई है कुछ राज्यों में, ठीक है, जैसे पेप्सू, उस समय पेप्सू नाम था पंजाब राज्य का, पंजाब राज्य में लगभग 7-8 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा था लगातार, ठीक है। तो वैसे संविधान के हिसाब से हम देखें तो अधिकतम कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति शासन को, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसका मैं बताता हूँ, अब आपने ये देखा कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो उसको जो समय मिला वो मिला 2 माह का, संसद से अनुमति लेकर के वो हो गए 6 माह तक, ये बात समझे। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वें संविधान संशोधन से इस अवधि को कर दिया, इस 42वें संविधान संशोधन से इस अवधि को कर दिया 1 वर्ष, कि राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में अगर संसद से अनुमति लेंगे तो 6 माह नहीं बढ़ाएंगे, सीधा 1 वर्ष बढ़ाएंगे, समझे बात को। लेकिन ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1978 में आप जानते हैं 44वां संविधान संशोधन हुआ है, पता है आपको, 1978 में इसमें वापस से 6 माह कर दिया, इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कितने समय तक रहेगा, लागू होने के बाद 2 माह तक, और आगे बढ़ाने संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद की अनुमति लेने के बाद कितना टाइम बढ़ जाएगा, 6 माह तक। 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, इसको 1 वर्ष कर दिया कि 2 माह से सीधा 1 वर्ष। मोरारजी देसाई की सरकार आई, ठीक है, उसने वापस से 6 माह कर दिया, ये बात समझ गए। एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलो एक राज्य है केरल,
एक एग्जाम्पल तौर पे, और केरल राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग गया, वहाँ क्या लग गया, प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो हम ये जानते हैं कि इसके तहत तो उसकी जो अवधि होगी वो कितनी होगी, 2 माह। हमने क्या काम किया, हमने संसद से क्या ले ली, अनुमति। समय कितना मिल गया, 6 माह। हमने फिर दोबारा अनुमति ले ली, किससे, संसद से, फिर दोबारा समय कितना हो गया, 6 माह। अर्थात ओवरऑल अब लगभग 1 वर्ष हो चुका है राष्ट्रपति शासन को लगे हुए, कहाँ, केरला के अंदर। अब 1 वर्ष के बाद और ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, तो ऐसे तो आप कितने बढ़ाते रहो, तो इस 1 वर्ष की अवधि को और बढ़ाने के लिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दी कि कोशिश ये करो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष तक ही रहे वहाँ। ये प्रतिबंध ये लगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन से। ये कह रहा है 44वें संविधान संशोधन कि आपको अगर 1 साल से राष्ट्रपति शासन को ज़्यादा बढ़ाना है तो आप 2 ही परिस्थिति में बढ़ा सकते हो, अन्यथा नहीं, केवल 2 परिस्थितियों में बढ़ा सकते हो। वो 2 परिस्थितियाँ कौन कौन सी, वो 2 परिस्थितियाँ बताता हूँ मैं आपको। एक परिस्थिति तो ये है जब देश में पहले से ही नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत पहले से ही लगा हुआ हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ये कहे कि हम चुनाव कराने में क्या है, असमर्थ हैं, तो ही इस अवधि को 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। मेरी बात को समझे आप, पहले कितने ही समय तक आप बढ़ा सकते थे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ये प्रतिबंध लगाया कि आप राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 1 वर्ष तक ही रखोगे। अगर आपको 1 वर्ष से ज़्यादा रखना है तो केवल 2 ही परिस्थितियाँ दी गई। एक परिस्थिति वो जब देश में पहले से ही नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तो उस केस में आप बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ये लिख कर दे कि हम उस राज्य में चुनाव कराने में असमर्थ हैं, अभी चुनाव के वहाँ हालात नहीं हैं, इसलिए आप फिलहाल राष्ट्रपति को ही शासन करने दो। भाई चुनाव अगर होंगे तो राज्य सरकार बनेगी वहाँ, वहाँ CM चुना जाएगा, ठीक है, वहाँ मुख्यमंत्री कमान संभालेगा। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि मैं अभी चुनाव कराने में समर्थ नहीं हूँ, हो सकता है वहाँ कोई आतंकवादी गतिविधियाँ हो या कोई मौसमी प्रकोप हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कुछ भी कारण हो सकता है। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम वहाँ चुनाव कराने में अभी समर्थ नहीं हैं, आप इस राष्ट्रपति शासन को ऐसे ही चलने दो, तो ही उसको बढ़ाया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले से क्या अंतर आएगा, देखिए। पहली बात, जो राज्य की विधानसभा है वो भंग कर दी जाएगी। क्यों भंग कर दी, क्योंकि उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, उन्होंने संविधान के दायरे में काम नहीं किया, संविधानिक तंत्र विफल हो गया, तो राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। अब आप ये कहोगे जब राज्य की विधानसभा ही भंग हो गई तो राज्य के लिए काम कौन करेगा, राज्य के लिए विधि कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, राज्य के बजट कौन पास करेगा, राज्य बजट कहाँ पेश किए जाएंगे, बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न होना चाहिए। तो जो भी विधानसभा के अंतर्गत सारे काम होने थे, अब विधानसभा को तो भंग कर दिया गया है, वो सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ चली जाएंगी, वो सारी की सारी शक्तियाँ चली जाएंगी संसद के पास में, अर्थात राज्य के संदर्भ में राज्य के लिए जो भी कानून बनाने की शक्ति है वो पहले विधानसभा को थी, या फिर हम यूँ कहें कि राज्य विधानमंडल को थी, अब वो कहाँ चलेगी, संसद के पास में, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है वो किसने ले लिया है, राष्ट्रपति ने ले लिया है। जो सरकार थी, राज्य सरकार, उसको रद्द कर दिया, राज्य सरकार को रद्द कर दिया, CM था, CM को रद्द, CM की पोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब आप कहोगे चार्ज कौन संभालेगा, हम बार बार कह रहे हैं कि चार्ज तो राष्ट्रपति संभालेगा, लेकिन एक्चुअल में चार्ज कौन संभालता है, एक्चुअल में चार्ज संभालता है राज्यपाल, ठीक है।
राज्यपाल की सलाह देने के लिए या तो राष्ट्रपति कोई सलाहकार नियुक्त करेगा कि वो देश उस राज्य में शासन कैसे चलाए, भाई उसको सलाह की जरूरत पड़ेगी। तो देश जो उस पर्टिकुलर राज्य में सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति उसके लिए एक सलाहकार नियुक्त करेगा, या फिर हो सकता है जो राज्य का सचिव पहले था, स्टेट सेक्रेटरी जो था, वो उसकी सहायता करे, किसकी, इस राज्यपाल की, क्योंकि सीएम की पोस्ट खत्म कर दी है, सीएम को हटा दिया है, सारा चार्ज कौन संभाल रहा है, राज्यपाल। राज्यपाल किसकी परमिशन से काम कर रहा है, राष्ट्रपति, क्योंकि शासन तो राष्ट्रपति के हाथ में ही अल्टीमेटली। बात समझ आ गई। अब आप कहोगे कि उस राज्य में बजट भी पेश करना होगा, उस राज्य में कानून भी बनाने होंगे, उस राज्य में विधेयक भी पारित करने होंगे, सारे जो काम करने हैं वो किस प्रकार हों, तो उस राज्य के बजट पेश करना, विधेयक बनाना, सारे के सारे काम जो भी राज्य की विधानसभा में होने थे, सारे के सारे काम संसद के अंतर्गत होंगे। अब ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि हो सकता है कोई राज्य में हमें कोई कानून बनाना है राज्य के अंतर्गत, और लोकसभा का सत्र चल नहीं रहा है, या यूं कहीं हो सकता है लोकसभा ही भंग हो गई हो, तो अब क्या करें। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति है, आपको ध्यान आनी चाहिए, आर्टिकल 123। कौन सी शक्ति? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और हमें कोई कानून, इमरजेंसी में कोई कानून हमें बनाना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश बना सकता है, एक प्रकार का कानून बना सकता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बना सकता है अध्यादेश के माध्यम से। समझे बात को। ये बातें हुई परिणाम की, क्या क्या परिणाम होंगे राष्ट्रपति शासन लगने के किसी एक राज्य में। समझे बात को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए इस पूरे विषय वस्तु के दौरान, कि जब राज्य की सरकार को आप फेल कर रहे हो, रद्द कर रहे हो, क्या वहाँ उस पर्टिकुलर राज्य की जो न्यायपालिका है अर्थात जो हाई कोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा राष्ट्रपति का। ध्यान रखने वाली बात योग्य ये है कि राज्य सरकार को रद्द कर दीजिए, आप कार्यपालिका, विधायिका, राज्य विधानमंडल को आप रद्द कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर राष्ट्रपति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाई कोर्ट अपना काम एज इट इज़ पहले की तरह करता रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान या राष्ट्रपति शासन राज्य में लगने पर उस पर्टिकुलर राज्य के न्यायपालिका के साथ कोई भी दखलंदाजी नहीं की जाएगी। बात समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ विशेष तथ्य बताता हूँ कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किन किन राज्यों में हुआ है, कब कब हुआ है। देखिए, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में पंजाब राज्य में। दूसरी बात, पंजाब के बारे में खास बात आपको याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होती है राष्ट्रपति शासन की, वो 3 वर्ष होती है। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां 3 वर्ष से अधिक शासन लगा था राष्ट्रपति का। आप कहोगे कि कितने समय तक, मैं बताता हूं, लगभग 7 वर्ष तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहां लगा है, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में। कहां लगा है, मणिपुर में। मणिपुर में लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद बताता हूँ यूपी में, यूपी के अंदर लगभग 9 बार लग चुका है। ठीक है, राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में और हरियाणा में लगभग 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप कहोगे क्या ऐसे भी राज्य हैं जहाँ राष्ट्रपति शासन आज तक ना लगा हो? बिल्कुल, 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, अर्थात वहाँ आर्टिकल 356 का प्रयोग आज की डेट तक नहीं हुआ है। वो 2 राज्य हैं, एक है तेलंगाना और एक है छत्तीसगढ़। ये 4-5 फैक्चुअल जो बातें थी। सबसे पहले कहाँ लगा है, पंजाब में 1951 में। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ मैक्सिमम ड्यूरेशन जो 3 साल की बताई हुई है, 3 साल से भी अधिक राष्ट्रपति शासन रहा है, वो भी पंजाब राज्य। लगभग 7 साल तक वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन रहा था। सबसे ज़्यादा वैसे कहाँ लगा है, सबसे ज़्यादा लगा है मणिपुर में। ठीक है, यूपी में 9 बार लगा है। उसके बाद में तेलंगाना और छत्तीसगढ़, 2 ऐसे राज्य हैं जहां आज तक की डेट में जो है राष्ट्रपति शासन कभी भी नहीं लगा है। ये बात समझ में आ गई आपको।
अब देखिए मैं आपको कुछ और फैक्चुअल बातें बताता हूँ इसमें कुछ। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो राजनीतिक इतिहास की बातें हैं। आप जानते हो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी और इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, और ये नेशनल इमरजेंसी 1977 में ख़त्म हो जाती है। इस नेशनल इमरजेंसी को 1971 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो इस इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने लगभग 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था 356 का प्रयोग करके। ठीक है, इतनी बात समझ भाई। और ये 9 राज्य वो थे जहां गैर कांग्रेस सरकार थी, क्योंकि वो कांग्रेस से तो इंदिरा गांधी स्वयं थी। अब समय और थोड़ा आगे बढ़ता है, 1977 में सरकार बनती है इंदिरा गांधी की हार होती है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद में जो ये चुनाव हुए इसमें इमरजेंसी से लोग आहत थे बहुत ज़्यादा। और जब 70 में सरकार बनती है मोरारजी देसाई जब पीएम बनते हैं तो उन्होंने देखा 9 राज्य जहाँ पर सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, उन्होंने उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 1980 आता है, 1980 में दोबारा से कौन बनती है पीएम, दोबारा से पीएम कौन बनता है, इंदिरा गांधी। 1980 में इंदिरा गांधी पीएम बनी, उसने फिर दोबारा जो जो राज्य उसको नज़र आए उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब आप एक बात महसूस कर पा रहे होंगे इन सारी बातों से कि जो केंद्र में बैठा हुआ है, जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है सत्तारूढ़ जो पार्टी है, वो इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, और इस दुरुपयोग के बारे में पहले जो संविधान सभा जब बन रही थी, संविधान जब बन रहा था संविधान सभा में चर्चा की गई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इसके बारे में पूछा गया कि इस प्रकार से तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर हावी हो जाएगी, जहां उनका मन करेगा वहां वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, वहां की राज्य की विधायिका को भंग कर देंगे। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया था कि ये एक मृत पत्र है, ये डेड लेटर है, जो कि हम रेयर से रेयर चांस में, बहुत बमुश्किल चांस में हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर वाकई ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार को भंग किए के अलावा, राज्य की सरकार को भंग करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ही केवल राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तब ही केवल वहाँ पर जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाएगा। इसको एक डेड लेटर, एक मृत पत्र की जो है संज्ञा दी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इतनी बातें आप समझ पाए। एक बात और आपको याद करनी चाहिए, ये बात मैं बताने वाला हूँ आपको 1992 की। 1992 में सरकार किसकी थी, सरकार थी कांग्रेस की, कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के ऊपर कब्जा किसका था, कांग्रेस पार्टी का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बीजेपी शासित जो राज्य थे, बीजेपी के जो राज्य थे जहाँ बीजेपी सरकार थी, वो थे एक हिमाचल, एक था मध्य प्रदेश और एक था राजस्थान। इस कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि क्योंकि सेंटर में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में ही जो है राष्ट्रपति शासन लगाया, तो ये एक राजनीतिक दुर्भावना है क्योंकि वहाँ गैर दल की सरकार है। बाद में कोर्ट में भी एक केस चला तो बाद में ये बात स्पष्ट की गई कि जो यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो जायज है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा वो क्यों जायज है। 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था, तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना कि इन राज्यों ने धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है, उसका उल्लंघन किया है। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बीजेपी शासित राज्यों ने प्रहार किया है, इस वजह से ये संविधान का उल्लंघन है, यहाँ इस वजह से यहाँ जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है, इसलिए यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसको उचित ठहराया गया। ठीक है,
कि राज्यों में जब लगेगा, राज्यों के लिए जब राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वो लगता है आर्टिकल 356 के तहत। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की सरकार 49 दिन चली थी, 49 days, और 49 दिन के बाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई थी। आपको याद होगा स्वाभाविक तौर पे। और अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने के बाद में दिल्ली के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। तो क्या वो भी आर्टिकल 356 के तहत लगेगा? नहीं, ये जो लगा था, ये लगा था आर्टिकल 239 AB के तहत, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। और दो आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। एक आर्टिकल 239 AA, इसमें दिल्ली के बारे में विशेष बातें लिखी हुई हैं। और आर्टिकल 239 AB, 239 AB में लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन अगर कैसे लगेगा, वहाँ का अगर संविधान तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? ये बात भी थोड़ा ध्यान करने वाली कि दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो आर्टिकल 356 के तहत नहीं लगेगा, वो राष्ट्रपति शासन लगेगा आर्टिकल 239 AB के तहत में। ठीक है, अब सबसे अहम कड़ी बची हुई है उसको मैं बताता हूँ। बात ये आती है कि राष्ट्रपति जो है वो देश का सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च पद है, और राष्ट्रपति ने डिसीजन लिया कि मुझे उस पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। और वहाँ की राज्य सरकार ये दावा करती है कि हम लोगों ने संविधान के विरुद्ध जाकर के कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि संविधानिक तंत्र जो है वो विफल हो। अब मामला कुछ ऐसा बन चुका है कि एक तरफ राज्य सरकार है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति है, तो किसको ठीक माने, इस बात का निर्णय कौन करेगा? आपके मन में जवाब आ रहा होगा कि इसका निर्णय कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका करेगी। अब बात यह आती है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है, क्या उसके फैसले को न्यायालय में ले जाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति शासन जो लगा है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती। अब देखिए, आपको ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद में एक एक बात साफ तौर पर नजर आ रही होगी कि इंदिरा गांधी बनाम मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी ने जो भी डिसीजन लिए ठीक उनके विरुद्ध जा कर के मोरारजी देसाई की सरकार ने लिए। एक ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 1975 की बात है, 1975 में इंदिरा गांधी ने 38वां संविधान संशोधन किया और उसमें ये लिखवा दिया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, अर्थात उसका जुडिशियल रिव्यू, उसको कोर्ट में जो है नहीं घसीटा जा सकता, कोर्ट उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति शासन ठीक है या गलत है। बस मागी मोरारजी देसाई की सरकार बनती 1978 में, जनता दल की पार्टी। मोरारजी देसाई की सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया बिल्कुल। 1978 में 44वें संविधान संशोधन से उन्होंने ये ऐड करवा दिया, ये बात स्पष्ट करवा दी कि राष्ट्रपति भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे, अर्थात जो राष्ट्रपति शासन जो किसी राज्य में लगाया जा रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो इस बात को समझने के लिए आपको एक कोर्ट केस पढ़ना चाहिए। कोर्ट केस का नाम है SR Bombay। इस न्यायिक समीक्षा को समझने के लिए आपको एक कोर्ट केस पढ़ना होगा। उस कोर्ट केस के जो निर्णय आए हैं उसके बेस पे हम इस चीज़ को बहुत स्पष्ट तरीके से बिल्कुल क्लैरिफाई कर पाएंगे। केस था SR Bombay बनाम भारत संघ। ये जो SR Bombay थे वो एक्चुअल में कर्नाटका के राज्यपाल थे, और 1981 में क्या हुआ, कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया अल्पमत के कारण, क्योंकि आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से संविधान तंत्र विफल होता हुआ हमें स्पष्ट दिख रहा है, इस वजह से आपकी सरकार को बर्खास्त किया जाता है। ये बात SR Bombay को ठीक नहीं लगी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। 1994 में इस केस का डिसीजन आया
और इस केस के बारे में जो निर्णय है वो आपको बहुत ही गहराई से समझने चाहिए। पहली बात उन्होंने की कि जो राष्ट्रपति शासन है उसका न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है, उसका JR अर्थात जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। पहली बात तो ये क्लियर हुई, जो बात हमने 44वें संविधान संशोधन में कहा था कि राष्ट्रपति शासन को की भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, तो एक बात इन्होंने की राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। दूसरी बात इन्होंने की कि राष्ट्रपति शासन किन कारणों से लगाया है, उस बात वो जो कारण है वो तर्कसंगत होने चाहिए, तर्कसंगत लॉजिकल होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए क्यों लगाया है राष्ट्रपति शासन। अगर वो तर्कसंगत नहीं पाए जाते हैं, अगर लॉजिक ठीक नहीं पाया जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को हटाया जाएगा। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को रद्द नहीं कर सकता, वहाँ की मंत्रिपरिषद को, मुख्यमंत्री को रद्द नहीं कर सकता, अगर वो रद्द करेगा तो केवल केवल संसद की अनुमति से, अर्थात राष्ट्रपति विधानसभा को रद्द करेगा तो कब करेगा, जब उसे किससे अनुमति मिलेगी, संसद की अनुमति मिलेगी। अगर संसद ने अनुमति नहीं दी है तो वो उसको रद्द नहीं कर सकता। हाँ, रद्द वो नहीं कर सकता लेकिन निलंबित कर सकता है। दो बातें क्लियर हुई, एक तो राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जाएगी, राष्ट्रपति शासन क्यों लगा है, किन कारणों से लगा है, उन वो कारण तर्कसंगत होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। तीसरी बात, राष्ट्रपति वहाँ की विधानसभा को रद्द नहीं करेगा कब तक, जब तक उसे संसद की अनुमति ना मिल जाए, अगर संसद अनुमति देता है तो ही रद्द करेगा, अन्यथा वो केवल निलंबित कर सकता है, अस्थायी तौर पर उसको बर्खास्त कर सकता है। ये बात क्लियर हुई। अगली बात आपको बताता हूँ मैं कि मान के चलो केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार है और राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है। फॉर एग्जाम्पल, अभी केंद्र में BJP की सरकार है और कुछ राज्य, सपोज करो छत्तीसगढ़ का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, तो राजनीतिक दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केंद्र में सरकार जिस पार्टी की बनी है और राज्य में उसके अपोजिट विपक्ष की सरकार बनी है तो ये राजनीतिक दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक केस याद आया होगा कि सर आपने बताया कि 1992 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, लेकिन उसने केवल BJP शासित राज्यों की वहीं क्या लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो वो इस वजह से उसको ठीक ठहराया गया था क्योंकि उस समय पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हुआ था। ठीक है, वहाँ राजनीतिक दुर्भावना कोई नहीं देखी थी कोर्ट ने। आप लोगों का क्या मानना है, हमारा क्या मानना है वो बात नहीं है, कोर्ट क्या मान रहा है ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात क्लियर हुई, कोई राजनीतिक दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ये सारे इस कोर्ट के, जो इस कोर्ट केस के डिसीजन हैं, बात समझ आ रही है आपको। दूसरी बात, मान के चलो राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ की विधानसभा को रद्द कर दिया। अब राष्ट्रपति से कारण पूछा गया कि आपने जो लगाया है राष्ट्रपति शासन, क्या वो तर्कसंगत है, और राष्ट्रपति उस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर पाया, लॉजिकली उसका उल्लेख नहीं पाया कर पाया, तो वो वहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन की वजह से जो विधानसभा भंग हुई थी उस विधानसभा को पुनर्जीवित किया जाएगा, उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। किसको, विधानसभा को। तो ये कोर्ट के डिसीजन है। और आपको कुछ एक साल मैं पीछे लेके चलता हूँ, 26 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 2 महीने बाद मार्च में उत्तराखंड में हरीश रावत जी CM थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी सरकार को भी बर्खास्त किया गया अल्पमत के कारण, वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लेकिन इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये बात गई, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सारे तथ्य देखे, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो ये राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाया गया है वो तर्कसंगत नहीं है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये स्पष्ट रूप से ये उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति है कोई भगवान नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन आप लगा रहे हो तो तर्कसंगत रूप से लगाइए, बात समझ आई, किसी राजनीतिक दुर्भावना का शिकार बन के मत लगाइए। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी राष्ट्रपति शासन के बारे में।
आपने पता लगा होगा कि राष्ट्रपति शासन एक हथियार है जो केंद्र सरकार का हथियार है। केंद्र सरकार मनमाने तरीके से इसका प्रयोग करती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको समझाए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ठीक है। तो इस वजह से संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा भी गया था कि ये 356 आर्टिकल संघात्मक ढांचे के खिलाफ है, इससे केंद्र को ज़्यादा मजबूती मिल रही है, राज्य कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब भी केंद्र का मन करेगा वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगी, नियंत्रण पूरा केंद्र के हाथ में आ जाएगा। तो क्या ये जायज़ है? क्या आर्टिकल 356 जायज़ है? तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ये पूछा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 356 की कुछ विशेष परिस्थितियों में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम इसको संविधान से नहीं हटा सकते और इसको एक डेड लेटर की तरह हम प्रयोग करेंगे, एक मृत पत्र की तरह, डेड लेटर जो रेयर चांस में यूज हो कभी कभार बस। तो ये सारा कुछ जो था वो राष्ट्रपति शासन के बारे में था।